ये आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी, प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। क्वेश्चन नंबर 136, श्री ब्रजलाल। क्वेश्चन नंबर 136। प्रश्न क्रमांक 136, क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क अवसंरचना और संपर्क क्षेत्र में वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या नीतिगत कदम उठाए गए हैं। ख क्या विकसित भारत परियोजनाओं के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, और ग यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। ऑनरेबल मिनिस्टर श्री राव इंद्रजीत सिंह, योजना मंत्री स्वतंत्र प्रभार। जवाब सदन के पटल पे रखा गया है सर। सप्लीमेंट्री नंबर 1, श्री ब्रजलाल। विकसित भारत परियोजना के अंतर्गत राज्यों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता के निर्धारित मापदंड क्या है। माननीय मंत्री जी। जनाब चेयरमैन साहब, माननीय सदस्य ने सवाल दो भाग में पूछा है। एक तो कि भाई कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर भारत सरकार ने क्या किया है, और दूसरा कि विकसित भारत प्रोजेक्ट्स के तहत प्रांतों को क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस मुहैया कराया गया है। तो इसका पहला विभाग का जवाब मैं पहले देना चाहूँगा सर, कि भारत सरकार की तरफ से एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है जिसका नाम है गति शक्ति। उस गति शक्ति के तहत 4 वर्टिकल्स हैं, जिसके अंदर एक आता है एयरवेज का, दूसरा आता है वाटरवेज का, तीसरा आता है हाईवेज का, और चौथा आता है रेलवेज का। जो पहला है एयरवेज का, उड़ान के नाम से जो कनेक्टिविटी जानी जाती है, उसके अंदर 2014 के अंदर कुल मिलाकर के 74 एयरपोर्ट्स भारतवर्ष के अंदर हुआ करते थे। 2024 के अंदर 10 साल बाद इसकी वृद्धि होकर के 157 एयरपोर्ट आज के दिन हमारे देश के अंदर हैं, और जिसके अंदर 85 ऐसे हैं जो कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत हैं। 2 एरोड्रोम्स पानी के ऊपर भी हैं, और इसके अलावा 13-14 के करीब हेलीपैड्स हैं। दूसरा सर पोर्ट्स, पोर्ट्स को सागरमाला के तहत साधा जाता है। कुल मिलाकर के 130 प्रोजेक्ट्स भारत सरकार ने तजवीज़ किए हैं, और इनके ऊपर 9,600 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया है। हमारी 7,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, 14,1500 किलोमीटर नेविगेबल वाटरवेज हैं। इन सब के ऊपर कनेक्टिविटी के तहत ये पैसा तजवीज़ किया गया है। तीसरा सर हाईवेज की मैं चर्चा करना चाहता हूँ। हाईवेज 2014 के अंदर कुल मिलाकर के देश के अंदर 91,287 किलोमीटर हुआ करते थे, जो बढ़कर के 2024 के अंदर 1,46,145 किलोमीटर बन गए, यानी कि 10 साल के अंदर 54,000 के करीब हाईवेज बना दिए गए हैं भारत सरकार की तरफ से। और फाइनली सर रेलवेज के अंदर कॉरिडोर अप्रोच अपनाया है माननीय मंत्री जी ने और उनके महकमे में, और इसके अंदर मिनरल कॉरिडोर्स हैं 192, ये इतने प्रोजेक्ट्स हैं। हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं 200 के करीब हैं, और पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर हैं 42 इसके अंदर हैं। सर कुल मिलाकर के ये तो अपने कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत भारत सरकार ने काम किए हैं। इसके अलावा जो ये कहते हैं कि विकसित भारत के तहत प्रदेशों को कितना पैसा मुहैया किया गया है, तो उसके विषय में मैं ये बताना चाहता हूँ सर कि ये विकसित भारत योजना नहीं है, एक ऐसा पेपर है जो कि हम आगे की 25-24 साल की देश की तरक्की को साधते हैं। और ये विजन डॉक्यूमेंट सर, जब हम बात करते हैं एक विजन डॉक्यूमेंट की विकसित भारत की, तो मैं एक विजन डॉक्यूमेंट और पढ़ना चाहता हूँ अगर आपकी अनुमति हो, जो कि हमारे देश को विकसित बनाने के अंदर मैं समझता हूँ कि योगदान देगी। ये मैं पढ़ना चाहता हूँ सर।
आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज अ बेगर हु इज अ थीफ सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री सच हाई मॉरल वैल्यूज पीपल ऑफ सच कैलिबर दैट आई डू नॉट थिंक दैट वी वुड एवर कॉन्कर दिस कंट्री अनलेस वी ब्रेक द वेरी बैकबोन ऑफ दिस नेशन which is her spiritual and cultural heritage. And therefore, I propose that we replace her old and ancient educational system, her culture, for if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them to be, a truly dominated nation. Honorable sir, जनाब जनाब मैं आ रहा हूँ सर मैं ऑनरेबल सर विकसित भारत ऑनरेबल मिनिस्टर इज रिलेवेंट लेट ऑन द टेबल ऑफ द हाउस रेस्ट ऑफ द एनसीएम सर ये पढ़ लिया मैं पढ़ चुका हाँ अब मैं विकसित भारत का जवाब तो दे दूंगा प्लीज प्लीज गो अहेड सर एक गो अहेड सर मैं विकसित भारत का जवाब तो दे सर जो दूसरा प्रश्न है सर दूसरे अरे बाबा एक एक ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज सर मैं ये जवाब ही नहीं दे रही है इनको संभालो सर गो अहेड सर जब भारत ये लिटरेसी के बारे में कहना चाहता हूँ सर विकसित भारत बनाने की योजना के तहत कहना चाहता हूँ सर जब सन 1947 के अंदर भारत आजाद हुआ था जब भारत उस दिन आजाद हुआ था उस टाइम के ऊपर यहाँ पर लिटरेसी रेट थी 12% और आज के दिन 2023 के अंदर 77% लिटरेसी रेट है 1168 यूनिवर्सिटीज हैं 45,000 कॉलेजेस हैं और 1200 स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन हैं भारत विकसित देश बनने की तौर पे अग्रसर है क्योंकि जब ये देश आज़ाद हुआ था यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल 32 साल हुआ करती थी और आज के दिन ये 71 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी होने लग गई है सर जो विकसित भारत सिटिंग इन द चेयर यू आर इंटरव्यूइंग सर ये आज आई रिक्वेस्ट यू जवाब नहीं सुनना चाहते एक एक ऑनरेबल मिनिस्टर सर ये ऑनरेबल भारत का जो हमारा विजन है ऑनरेबल मिनिस्टर बैठूं क्या वन सेकंड टेक योर सीट नहीं मैं बैठ जाऊं क्या हां एक बार ऑनरेबल मेंबर्स इफ यू हर्ड द क्वेश्चन फर्स्ट सप्लीमेंट्री ऑफ मिस्टर ब्रजलाल द आंसर इज रिलेवेंट Understanding every word of it. No. Supplementary one is very focused by Mr. Brajlal and the Honorable Minister is at it. Let him conclude, Honorable Minister. Sir, दूसरा मैं ये समझाना चाह रहा था माननीय सदस्य को कि विकसित भारत एक डॉक्यूमेंट ऐसी है जो विजन डॉक्यूमेंट है ये प्रोजेक्ट नहीं है प्रोजेक्ट के अंदर पैसा मुहैया करा जाता है लेकिन विजन डॉक्यूमेंट के तहत नहीं किया जाता लेकिन फिर भी अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो जो हमारी भारत सरकार की तरफ से यूपी के लिए ऐसा तजवीज हुआ है उसको मैं बताने के लिए तैयार हूँ बता देता हूँ सर जो पैसा वितरित किया है भारत सरकार ने यूपी के लिए उसके भी चार वर्टिकल्स हैं पांच वर्टिकल हैं एक है शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस दूसरा ग्रांट्स ऑफ फाइनेंस कमीशन तीसरा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स चौथा सेंट्रल सेक्टर स्कीम और पांचवा है स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस एज लोन्स टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर 2021-22 के अंदर 25,09,158 रुपये यूपी को दिए गए थे 22-23 के अंदर 29 लाख मतलब उनतीस लाख 9,647 करोड़ तजवीज किए गए और 22-23 के जो एक्सपेंडिचर उनको दिया या रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए उनको जो दिया गया है वो 34,05,003 करोड़ रुपया दिया गया ऑनरेबल मेंबर सेकंड सप्लीमेंट्री ब्रजलाल जी धन्यवाद सभापति महोदय मैं जो सवाल पूछना चाहता था कि विकसित भारत परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को 3 वर्षों में कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है मैं समझता हूँ माननीय मंत्री जी ने उस पर जवाब दे दिया है यू आर सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड सर सप्लीमेंट्री नंबर 3 श्री विवेक तनखा सर वन पार्ट ऑफ द एनेक्सर
talks about electronic toll collection for which is now for an unlimited period. I know for fact there's a law on toll which says toll is a compensatory imposition. मतलब आप टोल तब तक कलेक्ट करेंगे जब तक आपका रोड का कॉस्ट प्लस प्रॉफिट गेट्स रिकवर्ड. बट दिस इज नॉट हैपनिंग इन इंडिया. ऑल टोल्स कंटिन्यू इनडेफिनेटली विच इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट सर. इट्स बेसिकली चीटिंग टू द पब्लिक. सो आई एम सेइंग सर दैट डज एनएचआई विच प्लान्स टू रिव्यू दिस अनलिमिटेड कलेक्शन पॉलिसी विच इज अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट सर. माननीय मंत्री जी. सर दिस क्वेश्चन माइट बेटर हैव बीन एड्रेस्ड टू द Roads Transport Ministry. Nevertheless, I would like to suggest that all tolls are given for a specific period. If there is any toll which he says has been given over that period and still continuing, we will have it looked into. I think you should be satisfied, Vivekji. If you will, one second. If you will name one toll where your good thought has been violated and statute has been ignored, the minister has assured he will look into it. And the minister is known to act fast. I'm sure, sir. And he responded while primarily it concerned NHI. Yeah. So you must appreciate. I only put a question on NHI. Good enough. Professor Manoj Kumar Jha, on your birthday. Thank you, sir. I'm sure you'll seek something very, very important. Thank you, sir. I would congratulate the minister for clarifying that Viksit Bharat is not a project but a kind of commitment for the growth trajectory till 2047. Having said that, through you, sir, I would like to ask Honorable Minister that in the recent budgetary allocation in Bihar, what is the quantum to what was going on in Bharatmala as well as Ministry of Road Transport and Highways, and what is new component in that? Thank you, sir. I have all the answers to all the states. There are so many states, so many union territories. If he asks me a specific question next time around on Bihar, I will give it to him. But I must just nevertheless assure the House, sir, through you, if I can be given the permission, that India becoming a developed nation is a vision document. Like I repeated earlier, I want to repeat this earlier, it's not a project. And I want to refer to a professor called Magnus Anderson, who's a professor emeritus in the University of Groningen in Netherlands. What this professor has done is he published a paper in OECD publications, The World Economy. In this publication, he has chalked out the economies of the world of various countries from 0 AD to 1998. And this is what he has to say about India in that particular thing. And it says that in 0 AD, India had 32.9% of world economy. Our share in the world economy was 39%. In 600 AD, it became 22.6%. In 1700, it was 24.4%. And in 1947, when India was finally freed from its yoke of the British Empire, it was only left with 4%. So India historically has been a developed country, a developed nation. So this vision for 47 is not something that cannot be achieved. And we need the cooperation of all sectors, of all the peoples of this country, and I think this is achievable by 2047. And Honorable Minister, as a birthday gesture for Professor Manoj Kumar Jha, send his question or inquiry to the minister concerned, and the minister concerned will be good enough to respond directly to the Honorable Member. Fifth supplementary, Susri Dola Sen. Thank you, Chairman Sir. Ham Viksit Bharat Project ke baare mein इलेक्शन के टाइम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिफाई करते हुए हमारे मैसेज मोबाइल पर बहुत बार मैसेज आते हुए देखा. कोई बात नहीं, इधर ट्रेजरी बेंच की तरफ से हमको सुनाई दे रहा है अक्सर कि इसी लोगों ने जब पावर में था तब तक 14 तक कुछ काम नहीं हुआ, 14 से आगे
ट्रेजरी बेंच की तरफ से विकसित भारत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम सिर्फ पूछना चाहते हैं थ्रू यू सर, फ्रॉम द मिनिस्टर एंड फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट, दैट कि ये अगर है तो फार्म बिल जो बाद में रिवोक करना पड़ा उन्होंने लाया कौन? और स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में ये बार बार रेफर करते हैं तो उसको लागू करने में कौन इनको मना किया? तो उनको लागू करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को दिया जाए, तब बात खत्म। इसको दोष देने में फायदा क्या? ये इम्प्लीमेंट करे। हमको लगता है सर कि नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रीकल्चर, एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री एंड द रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई वॉन्ट टू नो व्हाट्स द सीरियस प्लानिंग और पॉलिसी ऑफ नेचुरल फार्मिंग और एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग और एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री अंडर विकसित भारत प्रोजेक्ट, स्पेशली हाउ लॉन्ग द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट्स एंड द यूनियन गवर्नमेंट विल रिमेन क्वासी फेडरल। थ्रू यू आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम देम। ऑनरेबल मिनिस्टर। Sir, the question pertains to connectivity and infrastructure and Viksit Bharat projects. I've already clarified. This is a question that might better be put to the Agriculture Minister. And there is a good occasion. The Agriculture Minister may respond today. He'll be responding to the debate today at 1 p.m. Question number 137, Sri Sujit Kumar. In 137. Prashn Kramang 137. Kya Yojana Mantri Yah Batane Ki Kripa Karenge Ki Ka? नीति आयोग द्वारा शून्य अभियान, सवारी हेतु राइड हेलिंग और डिलीवरी सेवाओं में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी के उपयोग को बढ़ाकर भारत में वायु गुणवत्ता में सुधार लाया जाना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है? ख, इस अभियान को कार्यान्वित करने के लिए नीति आयोग ने कितने राज्यों के साथ भागीदारी की है? ग, इस संबंध में कुल कितनी धनराशि संस्वीकृत और जारी की गई है? घ, क्या सरकार ने इस अभियान के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी बैंक के साथ सहयोग किया है? और अंग, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ऑनरेबल मिनिस्टर। श्री राव इंद्रजीत सिंह, योजना मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। तो आप अटल पे रख दिया गया है। सप्लीमेंट्री वन, श्री सुजीत कुमार। सर, सुनिए, इसे पैन इंडिया कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन दैट वाज लॉन्च्ड इन 2021, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर, has the effectiveness of this campaign been monitored and evaluated, and what are the metrics that have been used to evaluate and monitor the success of this campaign? Honorable Minister. Sir, this is a campaign monitored by Niti Aayog, and iske andar Niti Aayog ki taraf se koi paisa kharch nahi hua hai. Sara ka sara jo paisa kharch hua hai iske andar wo corporate partners ke madhyam se kharch hua hai. और इसका जो फ़ायदा हुआ है मैं बता देता हूँ आपको कि फ़िलहाल इस इनिशिएटिव के साथ कुल मिलाकर के देश भर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 554 मिलियन राइड्स एंड डिलीवरीज हैव टेकन प्लेस बाय इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अप टू अप्रैल 2024. इट हैज़ हेल्प्ड इन रिडक्शन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर and pollution by 11.5 tons, nitrogen oxide ki jo pollution hoti hai by approximately 408 tons, carbon dioxide pollution has been approximately reduced by approximately 61,000 tons. This, sir, if I may inform the member through you, has equaled a fuel saving of approximately 597 Indian national rupees in crores at current and retail current prices, and approximately equals the planting of 1.1 million trees. Second supplementary, Sri Sujit Kumar. Sir, currently the campaign is focused on ride hailing and delivery services, as was articulated by the Honorable Minister. I would like to know, why is this campaign not extended to all kinds of public and commercial transport? Because we all know that commercial transport is a big source of emission. Honorable Minister. Sir, jo bhi idea hota hai na, wo chota se shuru hota hai, fir wo badhta jata hai. To ye jo hamara
शून्य कैंपेन है ये, 2021 के आखिर के अंदर हमने ये सोचा था और इसको मॉनिटर करना शुरू किया था। जैसे जैसे इसका विस्तार आएगा तो हम और भी व्हीकल्स को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने के तहत प्रयास करवाएंगे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का, नॉर्मल ट्रांसपोर्ट का हो या किसी और चीज़ का भी साधन हो। सप्लीमेंट्री नंबर 3, डॉक्टर भागवत करण। ऑनरेबल सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को पूछना चाहता हूँ, ट्रांसपोर्ट सेक्शन में शून्य प्रमोशन के बारे में बात हो रही है, इज द गवर्नमेंट प्लानिंग टू हैव शून्य इवेशंस इन द प्रोडक्शन सेक्शन? प्रोडक्शन में कुछ शून्य कैंपेन में कुछ गवर्नमेंट का भैया है क्या? ऑनरेबल मिनिस्टर, सो फार इट इज ओनली लिमिटेड टू डिलीवरी सिस्टम एंड टू दिस राइड हेलिंग, बट वी लाइक आई सेड अर्लियर वी विल बी एक्सपेंडिंग इट एज टाइम गोज बाय एंड ऑल सजेशंस आर मोस्ट वेलकम, वी विल टेक देम ऑन बोर्ड एंड व्हेनेवर वी कैन इम्प्लीमेंट देम फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट वी विल डू सो। सप्लीमेंट्री नंबर 4, श्री संजीव अरोड़ा। थैंक यू चेयरमैन सर, through you I would like to ask Honorable Minister, does the campaign also aids and supports research in EV sector to reduce high initial costs of EV, which have been demotivating factor for general public to switch to electric mobility? And mind you, this supplementary has a perfect nod from Srimati Renuka Chaudhary also. Yes, sir. Sir, this, like I said, is a campaign, if I may call it. It's a campaign driven by the industry. And the Niti Aayog itself does not spend any funds on this as such. Whatever has so far taken place has taken place with the help of the industry. And there are 200 plus national and international companies that have aided in this endeavor. All told, This is the progress so far, but as things, like I said, progress, we will take other things on board as well and see that EVs are more readily available to people that desire to have them at a lower cost. Fifth supplementary, Srimati Renuka Chaudhary. Now, and we have seen that there's been a significant growth in 2023. You have almost 41.08 lakh units. And it's registered a 50% jump in the markets, which is all very well. But you need to have the other infrastructure. And if you don't, then it's a huge setback. You have an inadequate power grid. And rural charging stations are going to have different requirements from urban stations. As well as there's a lack of public EV charging stations. So unless these issues are sorted out, it's going to get very difficult. And it's a myth and fallacy, sir, that electric vehicles are going to resolve your emission problems. No, they have a whole different category of problems. And EV itself and the kind of batteries and power grids that they need are going to be contaminating the environment in a much more serious way. So I want to know what steps you are taking for setting up EV charging stations in public spaces. What are you going to do about the inadequate power grid, which will not be able to charge the vehicles, contribute to the vehicles, and the cost price per unit goes up, and the geographical vastness and diversity that India has, whether you have specific plans for public EV charging stations in these areas? Honorable Minister. So the Honorable Member is welcome to our opinion. Whether there is, like, supply in adequate quantities or not is a thing that I would dissent upon. Nevertheless, sir, electrical vehicles are the future, one feels. Whether it contributes enough to save the environment, I cannot debate on that because I'm not qualified to do so. I can only say that Rome was not born in a day, or Rome was not built in a day. We have started this whole project and we are going to enhance it as time comes along. And if she has any particular suggestions to give, we'll take it on board. This is something that is for the whole country to pull together for. Question number 138, Dr. Ashok Kumar Mittal. प्रश्न क्रमांक 138, क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क
क्या सरकार की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित जनसंख्या वृद्धि को समायोजित करने के लिए शहरी आयोजना संबंधी कोई व्यापक कार्यनीति है? ख, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ग, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU जैसी योजनाओं के अंतर्गत बढ़ती जनसंख्या को सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है? घ, क्या PMAYU के लिए राज्य सरकारों को निधि आवंटित करने में कोई विलंब हुआ है? और अंग, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ऑनरेबल मिनिस्टर श्री मनोहर लाल, आवासन और शहरी कार्य मंत्री। सप्लीमेंट्री नंबर 1, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। धन्यवाद सर, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। उन 2024 के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने 1 करोड़ आवास अर्बन एरियाज में बनाने की घोषणा की, जिसका हम स्वागत करते हैं। और सरकार का कहना है कि 1 करोड़ 19 लाख घर सैंक्शन हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है ISSR, इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट, और उसमें सिर्फ 3 लाख यानी तकरीबन 3% ही स्लम वासियों के लिए घर बनाए जाने की योजना का हिस्सा है। सर, ये आंकड़ा दर्शाता है कि योजना के तहत स्लम वासियों को शहर की औपचारिक बस्तियों में लाने के लक्ष्य में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। स्लम के बढ़ने से सरकारी जमीन पर एंक्रोचमेंट भी आती है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन भी आती है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि स्लम की बढ़ती हुई संख्या को कम करने में यह योजना असफल हुई है, तो क्या सरकार इसको रिव्यू करके कोई रिवाइज पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है? माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, अभी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस टर्म में प्रधानमंत्री महोदय ने सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग में अगर कोई सबसे पहला एजेंडा लिया तो वो 3 करोड़ नए घर बनाने के लिए, और ये पहला एजेंडा लिया, और इसमें 2 करोड़ घर ग्रामीण क्षेत्र में और 1 करोड़ घर शहरी क्षेत्र के अंदर, और ये बनाने का एक एजेंडा लिया है। इससे पहले भी ये योजना चल रही है, और उस योजना में जैसे 4 वर्टिकल इसके अंदर लिए गए हैं, उसमें से 1 वर्टिकल की चर्चा हमारे सदस्य महोदय ने ये की है, वो है इन सीटू स्लम डेवलपमेंट। क्योंकि इससे पहले जब इनकी सरकार थी, इन्होंने भी राजीव गांधी आवास योजना में, नहीं इनकी तो कभी सरकार नहीं, कांग्रेस की विपक्ष की सरकार थी, और ये कहीं कहीं उनके साथ गलबैया डालते हैं, कहीं कहीं आमने सामने खड़े होकर के गालियां भी देते हैं। तो इसलिए मैं तो जो विपक्ष बैठा है ये मान के चल रहा हूँ कि जो कुछ किया गया वो उनकी देखरेख में किया गया होगा, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल संबंध नहीं रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैं पिछली 2004 से 14 की जो सरकार थी उसमें ये योजना राजीव आवास योजना के नाम से चली थी, और उसके अंदर लगभग इस योजना में पूरे 10 वर्ष में 38,000 करोड़ रुपए की लागत हुई थी, जबकि अभी जो 10 साल जो मकान बनाए गए हैं 80 लाख से ऊपर मकान बना करके वितरित किया जा चुके हैं, उस पूरी योजना में केवल एक उस इन सीटू योजना जिसको ISSR कहा जा रहा है उसमें अकेले में 50,000 करोड़ रुपए के मकान बना के दिए जा चुके हैं, जबकि अन्य 3 वर्टिकल वो उसके अतिरिक्त है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हम झुग्गी झोपड़ी की चिंता, हमको बहुत चिंता है, अंत्योदय की भावना से हम काम करते हैं, जो सबसे गरीब है उसको पहले लाभ मिलना चाहिए, लेकिन जितनी योजना प्रदेश सरकार बना के भेजती है हम प्रदेशों के ऊपर छोड़ते हैं, उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस के आधार के ऊपर प्रदेश के लोग जो डिमांड करते हैं हम उसको अप्रूव करते हैं। अब अप्रूवल देने में सबसे बड़ी कठिनाई आती है कि ऐसे झुग्गी झोपड़ी के जो लोग हैं ज़्यादातर वो सरकारी जमीनों पर कब्जा किए होते हैं और उनकी अपनी जमीन होती नहीं है। हमारी योजना में यह है कि उसके पास अगर अपनी जमीन है तो उसको भी प्राथमिकता दी जाए, ताकि गरीब लोग जो थोड़ा छोटा एक प्लॉट रखते हैं अपने पास, अगर पहले चरण में उनको दे दिया जाता है तो वो अपने प्लॉट के बाद थोड़े पैसे में भी अपना मकान बना सकते हैं। इसी प्रकार कुछ सरकारों ने ऐसा भी किया कि उन्होंने जमीनों का प्रबंध अपने आप किया, और हमारे से इस योजना में ISSR में उन्होंने हमारे से लाभ उठाया है,
प्रदेश सरकारें कैसी योजनाएं बनाती हैं ये उन पर निर्भर करता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम थोड़ा सा जो मानव मध्यवर्गीय भी है उसके पास भी अपना मकान नहीं है उसके मकान की योजना न बनाए। हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है हाउसिंग फॉर ऑल, सबको मकान होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति इसके सिर के ऊपर छत ना हो ऐसा नहीं रहना चाहिए। अगर कहीं भी प्रदेश से, क्योंकि नई योजना में ये 1 करोड़ मकानों की ऑफर प्रदेशों को दी जाएगी, वो अगर इस नई योजना में झुग्गी झोपड़ी की योजना ज्यादा बड़ी बना के देते हैं तो हम उनको उसको एलोकेशन करने में प्राथमिकता देंगे। सेकंड सप्लीमेंट्री डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। सर मंत्री जी ने कहा कि मेरी सरकार ने कुछ नहीं किया। सर मैं तो हम कांग्रेस में कभी रहा ही नहीं। सर एक मिनट, सर मंत्री जी ने इल्जाम लगाया। सर मैं नहीं करना चाहता, पर मंत्री जी ने स्पेसिफिकली बोला नहीं, तो मुझे सर स्पष्टीकरण का तो हक देंगे ना सर। जिंदगी में छोटी बात से रुकना नहीं है सर, वो बात ओवर हो गई। नहीं सर, आप सेकंड सप्लीमेंट्री पूछिए। सर पहली सप्लीमेंट्री का जवाब आ गया, प्लीज सर सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय मंत्री जी बोल सकते हैं तो मुझे बोलने का भी हक दीजिएगा ना सर। नहीं, आप सेकंड सप्लीमेंट्री का दे रहा हूं सर, मैं अधिकार है। पॉलिटिक्स में 2022 में आया हूं। नहीं नहीं, इसके लिए मनोहर लाल खट्टर जी तो जिम्मेवार नहीं है। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। सर धन्यवाद। सर अर्बन प्लानिंग के लिए सरकार ने 2015 में स्मार्ट सिटीज मिशन शुरू किया था और सरकार के मुताबिक इस मिशन के अंतर्गत 90% काम हो चुका है। प्लीज ऑनरेबल मेंबर्स टेक इट। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल प्लीज आस्क योर सप्लीमेंट्री। प्लीज किरण जी, थैंक यू जिया जी फॉर सपोर्टिंग मी। सर अर्बन प्लानिंग मिशन में सरकार ने 2015 में स्मार्ट सिटीज योजना शुरू की थी, एक सही, और सरकार के मुताबिक स्मार्ट सिटी मिशन में 90% काम पूरा हो चुका है। परंतु जब हम स्मार्ट सिटीज की रियलिटी को देखते हैं, देश में एक भी सिटी स्मार्ट सिटी नजर नहीं आता है सर। जबकि सरकार, आपका प्रश्न पूछिए सर, क्वेश्चन नहीं है जी। सरकार 47,000 करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है जो कि टैक्स पेयर की मनी है। सर क्या सर सरकार अपने द्वारा जो 90% काम पूरा करने का दावा कर रही है उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए कोई थर्ड पार्टी ऑडिट कराएगी और उसकी रिपोर्ट यहां पेश करेगी? माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, एक से प्लीज, अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय, नो इंटरफियरेंस इन द हाउस प्लीज, नो प्लीज। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, जानते हैं ये, एक सेकंड प्लीज, ये अक्सर देखा गया है कि स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट है ना उसमें स्मार्टनेस देखते हैं। आप विस्तार से बताइए कि स्मार्ट सिटी के जो कंटूर्स हैं जिनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है उसके बारे में विवरण देंगे तो माननीय सदस्य की पूरी भ्रांति दूर हो जाएगी। स्मार्ट सिटी हैज सेवरल फैसेट्स जो इनविजिबल हैं, वो ऐसे हैं। माननीय मंत्री जी, सर चेयरमैन को कभी कभी तो बोलने दीजिए। विकास जी विकास की बात हो रही है, विकास की बात होने दीजिए, विकास के बीच में मत आइए। विकास भट्टाचार्य जी, माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, वैसे संविधान के 12वें शेड्यूल में जो स्पष्ट लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लीमेंट्स द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट थ्रू सिमेटिक इंटरवेंशंस एडवाइजरीज, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट्स टू द स्टेट। पहला विषय तो ये है कि स्मार्ट सिटी का जो भी प्रोजेक्ट है, हमने एक प्रोजेक्ट को अनाउंस करके उसमें एक प्रोग्राम बनाया कि देश भर की 100 सिटीज में कुछ
टेक्नोलॉजी से आधारित ईज ऑफ लिविंग सिस्टम को बनाने के लिए और एक प्रोजेक्ट की एज प्रोजेक्ट की सूची ये हमने सभी स्टेट्स को दी और कहीं भी किसी स्टेट को अपने शहर को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लाना है तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन करने के बाद उसके चार फेजेज में और शहरों का चुनाव हुआ, 100 शहरों का चुनाव हुआ, लगभग 500 करोड़ रुपया हर शहर को देने की बात थी और उन प्रोजेक्ट्स के बारे में लगभग 8,300 प्रोजेक्ट ये हमारी ओर से अप्रूव हुए और अप्रूवल में उस 48,000 करोड़ रुपए को लगाने के लिए स्टेट्स में ये पूरी अथॉरिटीज बनाई गई, हर स्टेट में बनी, जिलों में बनी या उस कारपोरेशन में या शहर में जो स्मार्ट सिटी बननी थी वहां अथॉरिटीज बनाई गई और उसके बाद अप्रूवल और उसके बाद उसका जितना भी रिव्यू करने का काम है वो उन्हीं अथॉरिटीज का है। हमने तो केवल उस पैसे को भेजने के बाद जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे देते हैं उसके बाद उसका पहले पैसा जारी करते हैं फिर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देते हैं बचा हुआ पैसा और देते हैं। हमारा काम जितना है वो उनको असिस्ट करना है। असिस्ट करने के बाद हाँ कहीं पर्टिकुलर किसी स्थान की शिकायत मिलती है तो हमारे कमेटी बनी हुई है डिपार्टमेंट की, वो उसकी प्रदेश को भेजती है अथॉरिटी को, हमें भी कोई कमेटी में जाकर के उसका कोई किसी प्रकार का रिव्यू करना होता है उसको हम करते हैं, अन्यथा ये सारी जिम्मेवारी स्टेट्स की है। ये 100 सिटीज बनाए इसलिए गए थे कि एक मॉडल सिटीज ये बने और बाकी शहरों को उसी के आधार पर उसका रेप्लीकेट करके और अन्य शहरों में भी उसका काम किया जाए, अन्यथा शहर तो 5,000 है लगभग और 5,000 शहरों में 100 शहर सारे शहर बनाने की स्कीम नहीं है, केवल वन टाइम स्कीम थी जिस पर अभी लगभग 46,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और 2,400 करोड़ रुपया इस बार जारी करके पूरा 48,000 करोड़ रुपए के मार्च 2025 तक ये प्रोजेक्ट पूरा कर दिया जाएगा। सप्लीमेंट्री नंबर 3 श्री प्रमोद तिवाड़ी युवा है, प्रमोद तिवाड़ी युवा है, बोलिए। सर मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ 100 योजनाएं 100 जिले इनकी स्मार्ट योजना में चिन्हित है, 100 शहर, 100 शहर, प्लीज मिनिस्टर जवाब देंगे। मनवर ये किसी 5 टाउन का नाम बता दें, शहर का नाम बता दें जो इनके अनुसार विकसित हो चुके हैं या स्मार्ट सिटी बन चुके हैं, सुनिए। और उसके बाद एक कमेटी बना दिए मेंबर पार्लियामेंट की सभी पार्टी की, वो जाके वहां देख ले क्या एक टाउन भी विकसित हुआ या नहीं विकसित हुआ। मेरा ही कहना है ये लूट का अड्डा बन गया है, लूट की स्कीम बन गई है, इसमें काम कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ कहा जा रहा है। सब पता लग गया, 5 नाम बता दें बस, ये पैसा लूटने का एक जरिया बन गया है। आपको प्रमोद तिवाड़ी जी चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं। नहीं नहीं मैं चक्रव्यूह में फंसने वाला नहीं हूँ, बताइए। मैं तो विषय बता रहा हूँ कि 100 शहरों को सबको पता है किस शहर में क्या क्या प्रोजेक्ट्स और ये बनाए गए हैं, ये अप्रूव्ड हुए हैं। अप्रूवल के बाद उन 100 प्रोजेक्ट्स में से 100 शहरों में जितने प्रोजेक्ट किसी एक शहर के अंदर बने हैं और जो कम्प्लीशन हो गया है, अभी लगभग 12 शहर ऐसे हैं जिसके सारे कम्प्लीट हो गए शहर, अन्य कामों में चल रहे हैं और ये कम्प्लीशन सबके साथ 2025 तक होने हैं और इसकी सूची जो है वो उपलब्ध करा दी जाएगी, पर्टिकुलर शहर बताएं उसकी सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। अन्यथा मैं कुछ प्रोजेक्ट्स बता रहा हूँ, अगर आपके शहर में आज के आसपास के शहर में हो जो उल्लेखनीय किए जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं, केवल बेस्ट प्रैक्टिस इस नाते से बता रहा हूँ। उसमें जैसे सबसे पहले चंडीगढ़ का ICCC, अब ये इंटीग्रेट कमांड सेंटर्स ये काफी शहरों में बने हैं, उसी प्रोजेक्ट में बने हैं, आप जाकर के देख लीजिए। मेरे यहाँ करनाल में भी बने हैं, मेरे यहाँ फरीदाबाद में भी बने हैं, तो इस प्रकार के बहुत तो आपका पूरा देश है। ये स्मार्ट सिटी मिशन के प्रोजेक्ट बता रहा हूँ। दूसरा प्रोजेक्ट है, अगर श्रीनगर कभी आपका जाना हो जाए, ठंडी हवाएं चल रही हैं, आप जाके देखिए कि वहां लाल चौक पर और झेलम रिवर का जो फ्रंट है वो इस समय देखते बनता है, वो इस योजना के अंतर्गत बनाया गया है। इसी प्रकार उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट जो किया गया है वो देखने का बनता है, आप जाकर के महाकाल का देखाइए। आप विजय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश भी पीछे बैठे हैं साथ में। इंदौर में सरस्वती और कहान लाइफलाइन प्रोजेक्ट ये जाकर के देख सकते हैं, आप देख करके और उसका फोटो ला करके दीजिए हमको। इसी प्रकार कोयम्बटूर में
रिवाइटलाइजेशन ऑफ सेवन लेक्स, ये साउथ में आप कोयंबटूर में जाकर देख सकते हैं, वडोदरा में हेल्थ और इमरजेंसी सिस्टम वडोदरा में जाकर के हम दे सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स, सूरत में रीस्टोरेशन एंड रीयूज ऑफ हिस्टोरिक कैसल, अगरतला नॉर्थ ईस्ट में फ्लड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, ये अगरतला में जाकर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार देवनगरी रेजोल्यूशन ऑफ अर्बन फ्लडिंग, इस प्रकार से जो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे वर्थ मेंशनिंग मैंने किए हैं, ये तो केवल एक सूची है। अगर आप जाकर के अपने शहर में, क्योंकि पूरा शहर स्मार्ट का ही अर्थ नहीं है, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करते हुए हम ईज ऑफ लिविंग के नाते उस शहर को कैसा ठीक कर सकते हैं, दीज आर सम मॉडल्स, और इन मॉडल्स के आधार पर सरकारों का, प्रदेश सरकारों का काम, यूएलबीज का काम है कि वो अपने अपने शहरों में उसको और रेप्लीकेट करें, बनाएं। कुल मिलाकर एक सहायता का कार्यक्रम है, यही इसमें स्मार्ट मिशन का, सारे देश की 4,900 शहरों को स्मार्ट करने का अभी कोई प्रोग्राम भारत सरकार का नहीं है, बल्कि 100 शहरों में इस काम को पूरा करके और कंप्लीट किया जा रहा है। सप्लीमेंट्री नंबर 4, श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर आपको अमिताभ का मतलब पता है? बदल दीजिए, बदला दूंगा। माननीय सदस्य गण, जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ सबमिट किया जाता है, उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद उठाया था 1989 में। वो बदलाव की प्रक्रिया हमने हर सदस्य, नो सर, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय नेम एंड माय हस्बैंड एंड हिज अचीवमेंट। मैम आपको एक बात बताता हूं, इट सिग्निफाइज आभा जो मिट नहीं सकती। आई एम वेरी हैप्पी। वन सेकंड, टेक योर सीट, डोंट वरी। नो, ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया, पहले नहीं था। हां, वन सेकंड। मेरा माननीय सदस्यगण, मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय सदस्यगण, प्लीज माननीय सदस्यगण, आई हैड द ओकेजन टू गो टू France and I went to a hotel in Normandy and it was informed to me by the management that every global icon, the photograph is shown there. I went through the staircase, photographs were shown and Shri Amitabh Bachchan photograph was there. I certified and that was in 2004 or so. So ma'am, the entire nation is proud. Now your supplementary number 4 to Shri Manohar Lal Khattar. सर इनके नाम के आगे इनकी पत्नी का नाम भी लगा दिया या इसके बाद? एक सेकंड बताऊं मैं आपको सर, ये बात मैंने, सर आई एम नॉट अगेंस्ट दिस नहीं, बट सर दिस इज इनकरेक्ट सर, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज अभी बिफोर दिस सब्जेक्ट के, सुनो सर, सर प्लीज यस मैम, नीरज या तो आप बोल लो या मैं बोलू। नीरज जी और एक से, नहीं सुनिए, एक मैं बता रहा हूँ, इस चीज का निर्णय मैं करता हूँ, और मैंने आपको नाम से पुकारा था कि आप अपने सप्लीमेंट्री चार पूछ सकें जी। थैंक यू सर, एनीवे आई विल नॉट, और जहां तक आपने कहा कि किसका नाम साथ में जोड़े, हाँ, तो कई बार मैंने मेरा इंट्रोडक्शन डॉक्टर सुदेश पति के नाम से दिया है, तो मैंने आपकी भावना का हमेशा आदर किया है, देख लीजिए। सुदेश मेरी वाइफ का नाम है। अच्छा, सॉरी सर, आई डिडंट नो। तो डॉक्टर सुदेश पति मैंने कई बार कहा है, ये रोचक तरीके से कह रहा हूं ताकि नीरज जी भी और आप दोनों के संबंध बहुत शानदार हैं, आप एक ही प्रांत से आते हैं और दोनों की लीनेज बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त लीनेज है, दोनों तरफ देखें तो नेशन इज प्राउड। हाँ जया जी, प्लीज सर, सप्लीमेंट्री नंबर 4। सर पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सोचती हूँ कि गुड़गांव जो है उसको स्मार्ट सिटी में डिक्लेयर कर दिया गया था, अभी हाल ही में जो बारिश हुई वहाँ कमर तक पानी, मैं वहाँ जाना चाहती थी किसी काम पे मगर नहीं जा सकी, तो अगर स्मार्ट सिटी की स्थिति ऐसी होगी, और गुड़गांव को छोड़ दीजिए, इस देश के कितने कैपिटल्स स्मार्ट सिटी में गिने जाएंगे आप बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, पहले तो विषय आपने उनको बताया कि नाम क्या है, उन्होंने फिर सजेशन दे दिया कि मेरे नाम के साथ कुछ जोड़ा जाए। नहीं, उसका जवाब कहो तो मैं दे दूं। नहीं, वो मुश्किल है। मुझे उस काम के लिए
मुझे इस काम के लिए अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा, उससे पहले तो संभव है नहीं। ऑनरेबल मिनिस्टर, देयर इज एन अश्योरेंस कमिटी हियर, आपने अश्योरेंस दिया है अगले जन्म में भी आपने ये अगर अगले जन्म संसदीय परंपरा के दायरे में अपने आप को डाल दिया है। जहाँ तक जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, जहाँ तक गुरुग्राम का विषय है, मैं आदरणीय सदस्य को ये बताना चाहता हूँ कि गुरुग्राम उस 100 सिटी में नहीं है, हरियाणा में दो ही उसमें स्मार्ट सिटी है, फरीदाबाद एक करना। एक सेकंड, माननीय सदस्य का आशय था कि गुरुग्राम शोकेस करता है भारत की प्रगति को, वहाँ पर बनिया की बड़ी कंपनियां हैं, और अपने अनुभव के आधार पर माननीय सदस्य ने बताया है कि वहाँ पानी का बहाव शायद व्यवस्थित नहीं है, इसलिए आपसे आग्रह दो तरीके से किया गया है कि एक तो आप हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब आपके हाथ में विकास है, विकास की डोरी आपके हाथ में है, तो उसका निदान कब तक कर देंगे, आशा के साथ आपसे पूछा गया है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 9.5 वर्ष में मुख्यमंत्री रहा हरियाणा का, मुख्यमंत्री जब बना था 2014 की बात है, मुझे उस समय के दृश्य इफ्को चौक के भी ध्यान है, सिग्नेचर टावर के भी ध्यान है, राजीव चौक के भी ध्यान में है, होंडा चौक के भी ध्यान में है, ये टिप्स पर हैं, और आज उन चौक्स के ऊपर किस प्रकार के पैरेलल रोड जो समतल तो जा ही रही है, फ्लाईओवर भी जा रहे हैं, अंडरपास भी है, 3 मंजिला सड़कें सब बनी हैं, आज वहां कोई पानी किसी प्रकार का होता नहीं है। हाँ, वर्षा जब ज्यादा होती है, क्योंकि ये सारे जितने भी शहरों की जितनी रचना बनी है, ये एक समय में एक आधा इंच वर्षा यानी 2 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है एक समय में, तब तो उसका पानी खींचा जाता है। अभी हम देखते हैं कि पिछले 3 दिन पहले 8 सेंटीमीटर 8.5 सेंटीमीटर वर्षा हुई है दिल्ली में, गुड़गांव में, सब जगह। तो इस प्रकार के लगभग 2.5 से 3 इंच की जो वर्षा होती है उसके लिए अभी कोई शहर इस प्रकार की प्लानिंग अपनी नहीं है। हाँ, इन स्थानों को जैसे मौसम का बदल हो रहा है, आगे चल करके अगर इसकी आवश्यकता पड़ती है तो सुझाव कोई अगर हमें मिलेगा उसके भी विचार करेंगे। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की वर्षा के अब हरियाणा यानी गुरुग्राम, दिल्ली, आसपास के और शहर, देश भर में जहां जहां वर्षा हो रही है, तो ये एक प्राकृतिक कारणों से जो चीज होता है, थोड़े समय ट्रैफिक भी जाम होता है, सब होता है, और इसका आगे चल करके सब सदस्य इसमें कोई सुझाव देंगे उसके ऊपर विचार भी करेंगे। और जहां तक गुरुग्राम का विषय है, गुरुग्राम आज हमारा आइकन सिटी है, आप हमारे उत्तर भारत का कह लें, भारत का कह लें, हरियाणा का कह लें, एक आइकन सिटी बना है और इसके ऊपर प्राउड है। आज विदेश की 500 जो हमारी कंपनीज क्या बोलते हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में, उसमें से 300 कंपनीज के ऑफिसेज आज गुरुग्राम में है। आज विदेश के लोग सबसे बेस्ट जिसको कहना चाहिए इन्वेस्टमेंट की उनकी जो चॉइस है वो उत्तर भारत में गुरुग्राम जिले की है। तो इस नाते से उस शहर का कोई ना कोई सुधार है, तभी ये सारा कुछ होता है, अन्यथा नहीं। सप्लीमेंट्री नंबर 5, श्री संतोष कुमार पी। थैंक यू सर। So when we talk about this comprehensive urban policy, the first prerequisite is data on population. So I would like to ask the Honorable Minister that is there any plan to conduct census in the coming years, or what about the estimated data on population in Indian cities by 2034? Yes, Honorable Minister. The Mohdaya, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है सदस्य महोदय ने। अपने देश की और दुनिया की आबादी खूब बढ़ती चली जा रही है, और इस आबादी के जो अभी तक आंकलन जो डिफरेंट जो एजेंसीज हैं, जो कमेटीज हैं, उन्होंने जो बताया 2011 का हमारे यहाँ का एक डाटा उपलब्ध है सेंसस का, और देश का डाटा जो पॉपुलेशन का उस समय 121 करोड़ जनसंख्या थी, और शहरी जनसंख्या उसमें 37 करोड़ थी जो लगभग 31% बनती है। लेकिन उसके बाद जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी सेंसस तो हुआ नहीं, लेकिन प्रोजेक्टेड जो अनुमान है उसमें 2023 का डाटा जो था 140 करोड़ पॉपुलेशन का था, और 50 करोड़ के लगभग उसमें अर्बन पॉपुलेशन ही आकी गई है जो 36% बनती है। यानी 2011 से 2023 तक ये पॉपुलेशन ग्रोथ शहरों की 5% बढ़ी है, तो स्वाभाविक है वो ग्रामीण क्षेत्र की कम हुई है। ऐसे ही 2036 का जो एक आंकड़ा, ये अनुमान जो लगाया जा रहा है,
लगभग 150 करोड़ की ये पॉपुलेशन जो है देश की होगी, और उसमें से 60 करोड़ यानी लगभग 40% ये अर्बन पॉपुलेशन हो जाएगी, जो इस समय से भी 4% और बढ़ेगी। और ऐसे ही 2054 तक ये पॉपुलेशन 169 करोड़ देश की होगी और 90 करोड़ जिसमें शहरी हो जाएगी, ये मोर देन 50% यानी 52% शहरी आबादी हो जाएगी। इस प्रकार का एक डाटा आया हुआ है, न केवल अपने देश का बल्कि दुनिया का भी जो डाटा है, अगर 2024 को देखा जाए तो 820 करोड़ की अनुमानित पॉपुलेशन है, जो 2080 तक 1030 करोड़ की आबादी पूरी दुनिया भर में हो जाएगी। ये ठीक है कि बहुत देशों की जो आबादी है वो घटने की ट्रेंड की तरफ भी आ गई है, अभी अपने देश की जो आबादी है वो 2080 तक ये बढ़ने के ट्रेंड पर है, ऐसा माना जाता है कि उसके बाद इस देश की आबादी भी घटने की ओर आएगी। तो जिस प्रकार का ये आबादी का बढ़ता हुआ ट्रेंड है, हमारा विभाग, हमारी सरकार उस प्रोजेक्शन को लेकर के सारी प्लानिंग बना रही है, सारी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि इस 10 वर्षों में अर्बन डेवलपमेंट के जितने काम हुए हैं मुझे नहीं लगता कि इससे पहले किसी ने सोचा भी होगा। इतनी स्कीमें बनाई गई हैं और हर स्कीम को प्रदेश को सहायता करना, यूएलबी को सहायता करना, नई टेक्निक देना, उनको नए नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजों को आगे बढ़ाना, ईज ऑफ लिविंग के सिस्टम को आगे करना, अल्टीमेटली जैसे मैंने बताया केंद्र सरकार की ओर से, हमारे विभाग की ओर से सहायता दी जाती है, और उसमें प्रदेश सरकारों को और यूएलबीज को स्ट्रेंथन करना होगा। उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए भी कोई सुझाव होंगे माननीय सदस्यों के तो हम आगे उसको फॉरवर्ड कर देंगे स्टेट्स को। क्वेश्चन नंबर 139, श्री नीरज डांगी। सर क्वेश्चन नंबर 139। प्रश्न क्रमांक 139, क्या नागर विमानन मंत्री या बताने की कृपा करेंगे कि क्या एयर इंडिया के निजीकरण के पश्चात अनुसूचित जातियों SC और अनुसूचित जनजातियों ST हेतु रोजगार और इनके हितों का संरक्षण करने हेतु कोई सकारात्मक कार्य योजना तैयार की गई है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ऑनरेबल मिनिस्टर श्री किंजरापू राम मोहन नायडू, नागर विमानन मंत्री। सप्लीमेंट्री नंबर 1, श्री नीरज डांगी के माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, क्या यह सही है कि एयर इंडिया के निजीकरण के बाद आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए एक समिति का गठन किया गया था? यदि हाँ तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों सहित सभी स्थायी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, अवकाश, नकदीकरण, ग्रेच्युटी, कर्मचारी आवास और पदोन्नति और भर्ती के लिए आरक्षण के संबंध में क्या सुझाव दिए गए हैं? क्या इस समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल किया जा रहा है? यदि हाँ तो इस संदर्भ में क्या नीतिगत निर्णय लिए गए हैं? धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। ऑनरेबल चेयरमैन सर, the Air India was privatized in the year 2022, and when the share purchase agreement happened between the government of India, which is Air India at that point of time, and also the strategic partner which came out to be Thales, which was wholly owned subsidiary by Tata group. So when that agreement was made, especially the government, in the sense that some of the rights have to be protected for the SCs and STs, it has mentioned, sir, in the share purchase agreement that for a period of 1 year before the closing date, use its best endeavors to provide adequate job opportunities to SCs, STs, persons with disability and socially disadvantaged categories of the society, and to ensure that in the event of reduction in the strength of employees of the company, SCs, STs, persons with disability and socially disadvantaged categories of the society will be terminated last. This was the clause which was put in the share purchase agreement at the time of the sale of Air India, sir. Other than this, there was no committee that was formed. But I would like to take the attention of this house to a specific affirmative action plan committee, which was actually brought, which was actually formed in 2006, with the intention of that how does private sector deal with the reservations. And this was formed in 2006, sir. And at that point of time, the committee constituted of chairman of principal secretary to the chairman was principal secretary to the PM then in 2006. And there were secretaries from other ministries which were involved, just like social justice and empowerment, DOPT, tribal affairs and industry policy and promotion. And in the first meeting, this was in the time of 2006. And in the first meeting, it was observed, these are the comments from the first committee meeting that was held, sir. It was stated that the best course for achieving progress on the issue of affirmative action is through voluntary action by the industry itself. This was thought about then only. So the point of getting into the discussion of private sector and the
and the reservations does not arise with this question, sir. Second supplement is in Neeraj Dangi. Do. मेरा दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2007 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय हुआ था, जिसके बाद एक नई कंपनी नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाई गई और उस वक्त अनुसूचित जाति को 15% और अनुसूचित जनजाति को 7.5% का आरक्षण दिया जाता था। देश भर में एयर इंडिया के अंतर्गत ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी में लगभग 6,127 अनुसूचित जाति के कर्मचारी एवं 2,055 अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी थे। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि एयर इंडिया के निजीकरण के पश्चात वर्तमान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने अधिकारी और कर्मचारी एयर इंडिया में कार्यरत हैं एवं एयर इंडिया के निजीकरण के पश्चात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक सुरक्षा और उनके रोजगार के संरक्षण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। धन्यवाद। Honorable Minister. Sir, once the Air India has been sold, it comes under the private sector, sir. And no private sector has any kind of reservation policy which the government is looking at the moment. At the moment. So the question that the honourable member has raised. Wait for the answer. The question that the honourable member has raised right now is something related to the private sector and the company itself, sir. And if he wants something like while Air India was under the government, those statistics we can definitely give, and we have tried every single thing to maintain the percentage within this. We have followed all the rules. But why I want to mention one more thing, sir. This house also has to know why the Air India has also gone for privatization also. I will take you back to 2003-2004. When that 2003-2004, Air India were including Indian Airlines also, it was under the profit, sir, 136 crores. 2004-5, 160 crore profit. But once there was a change in government, they have to listen. Now they have to listen. Air India ki baat ho rahi hai. Air India ki baat ho rahi hai. Uska profit and loss to dena padega, sir. Honorable Minister, would you listen to me? Honorable Minister has categorically stated in the House that when there was share transfer agreement, there was a specific stipulation. Is it your case that stipulation is being violated? If we get into historical background different, when transfer has taken place, there is a share transfer agreement. The stipulation relevant one has been read by the Minister. Sir, you are allowed only 2 supplementaries. Honorable members, any disturbance comes in the way of honorable member asking, sir. Honorable Minister. Sir, I would like to continue and complete my statement, sir. Question hour is over. अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। You were listening to the proceedings during the question hour in Rajya Sabha today. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.